शिवपुरी शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया के मार्गदर्शन में अमोला थाना प्रभारी संतोष भार्गव ने मुखबिर की सूचना पर डकैती की योजना बनाते हुए 3 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ करने पर बदमाशों द्वारा कोलारस, करेरा, अमोला, भूती और सीहोर आदि में चोरी करना स्वीकार किया है। पकड़े गए बदमाशों से एक 315 बोर का कट्टा, मय राउंड, एक 12 बोर की अधिया, मय राउंड, एक छुरा और सोने चांदी के आभूषण, नकदी तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं दूसरी ओर शिवपुरी पुलिस ने एक और घटना का खुलासा किया। पुलिस ने शहर में 2 पहिया वाहनों की चोरी का पर्दाफाश करते हुए 2 पहिया वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि शहर में हो रही मोटरसाइकिल चोरी में शहर के एक मैकेनिक का हाथ है, जो चोरी की गई मोटरसाइकिलों के कलपुर्जे, इंजन दूसरी गाड़ियों में लगाकर बेचते हैं। पुलिस ने मोटरसाइकिल मैकेनिक सहित 3 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया है तथा गिरोह का एक अन्य मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने चोरों के गिरोह से 18 मोटरसाइकिल एवं 5 मोटरसाइकिल के इंजन बरामद किए हैं तथा फरार सदस्य के मिलने पर और भी मोटरसाइकिल बरामद होने की उम्मीद है। जो ये आरोपी पकड़े हैं, किस चीज़ के आरोपी हैं और क्या पूरा मामला? ये 2 सफलताएं हमारी प्रॉपर्टी ऑफिसर्स के समय में हमको मिली हैं, जिला शिवपुरी पुलिस को। इसमें एक नकबजन गैंग पकड़ी है, थाना प्रभारी अमोला है संतोष भार्गव, और इस संबंध में भी लगातार सूचनाएँ थी हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब के पास में कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से वारदात कर रहे हैं। तो एक सूचना जब इनके पास में आई कि गाँव के पास से कुछ लोग दिखे हैं इस तरह के, उन्होंने घेराबंदी की, जिसमें थाना प्रभारी अमोला के साथ में थाना प्रभारी रनौर, रमेश चतुर्वेदी और करेरा PI सतीश चौहान, उनकी टीमें थी, जिसमें 5 लोग उनको दिखे और 3 लोगों को पकड़ने में सफलता मिली। उनमें से एक आदमी के पास में पिस्टल और राउंड, और एक के पास में अधिया, और एक के पास चाकू भी मिला, और इनके पास में कुछ औजार भी मिले। जब इनसे पूछताछ की है तो इन्होंने बताया कि किसी के लिए रात में निकलते थे और ये वारदात करते थे जहाँ पे ताले लगे हुए, और इनसे करीबन अभी तक 6 चोरियों के बारे में पता रसी हुई है कि उन्होंने चोरी की है। उनका सामान भी बरामद हुआ है, जो बिल्कुल ओरिजिनल सामान है। तो एक अच्छी सफलता मिली इसमें। 2 अपराधी जो हैं पुराने स्टेशन हैं, और इनकी ज़्यादातर मुलाकातें जेल में हैं, और जेल से निकलने के बाद ही मिलकर वारदातें कर रहे थे। तो एक बड़ी सफलता इसमें अमोला पुलिस को, थाना प्रभारी को मिली। कोई रिवार्ड वगैरह इसमें? हम 5,000 का इनाम इनको देंगे इनकी अच्छी काम कार्रवाई के लिए। और इसके अलावा एक वाहन चोरी गैंग को पकड़ने में हमारे SDOP शिवपुरी अजय भार्गव और TA अमित भदौरिया, उनकी टीम जिसमें आदित्य राजावत और हमारे सुमित शर्मा, दीपक पालिया और नरेश और भूपेंद्र आदि लोग हैं, इनको मिली। जब इनको कोई सूचना ये मिल रही थी कि जो चोरियाँ लगातार जा रही हैं, इसमें कोई मैकेनिक है शिवपुरी शहर का, और उसको फिर इन्होंने फाइंड आउट किया और उनको उसको पकड़ा। उसके साथ में 3 अन्य साथी मिले हैं, 18 मोटरसाइकिलें अभी तक बरामद हुई हैं इनसे। उनके पास 5 इंजन भी मिले हैं मोटरसाइकिलों के, और ये मोटर ऑपरेटिंग इनकी ये थी कि चोरी करने के बाद ये मैकेनिक के पास गाड़ी रख देते थे और वो पार्ट्स तुरंत हटा अलग अलग कर देता था, उसके बाद दूसरी गाड़ियों में दूसरे पार्ट लगा के वो इस तरह से फिर से मार्केट में निकालता था। एक बड़ी सफलता इसमें हमारी कोतवाली पुलिस को भी मिली है, जिनको अभी 5 साल का रिकॉर्ड था। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।